नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन नेवी MR स्पेशल के लिए जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि अभी हम इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आज हम पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 5 तक कर चुके हैं, तो अगर आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा है या फिर कोई पार्ट मिस किया है तो आप सबसे पहले तो उसे देख लीजिएगा, जिसका कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आप जहां से चाहें वहां से जाकर के देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 6 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसकी जो PDF होगी वो जब मैं सारा पार्ट करवा लूँगा सब कुछ अच्छे से तो आपको दूंगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको Instagram और Telegram पे मुझे ज्वाइन करना होगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और Instagram की ID आपके स्क्रीन पे आ रही है। और उसके बाद सेकंड चीज़ है, अगर आप चैनल पे नए हैं और इंडियन नेवी MR की बेस्ट तैयारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज हम लोग शाम में यानी इवनिंग में जो वीडियो आती है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं MR के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट सबसे पहले मैं शुरू करूं, मतलब मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर शुरू करूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वहीं करने वाले हैं हम लोग। चल दिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 97 नंबर से हम लोग करेंगे। और शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा यार, प्लीज़ एक लाइक एक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देख रहे हैं आप लोग, टाइप करता हूँ मैं पूरा, पहले तो हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में, तो बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन है, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? विच कंट्री ऑफ यूरोप मेड द फर्स्ट कोलोनाइजेशन ऑफ गोवा? पुर्तगाल 1510 ईस्वी में, फ्रांस 1600 ईस्वी में, हॉलैंड 1510 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा को अपना जो है उपनिवेश बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दूसरा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों अंग्रेज, डच, फ्रांस और पुर्तगाल के भारत आगमन का सही तिथि क्रम है? यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, इंग्लिश, डच, फ्रांस, पुर्तगाल, द करेक्ट डेट ऑफ अराइवल ऑफ इंडिया इज द ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे आपके सामने है 4123, 4213, 3421 और 2341। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4213। कैसे हो जाएगा ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे यहाँ पे 1498 में, वास्को डिगामा आया था जो कि पुर्तगाली था 1498 में। उसके बाद जो हुआ, फोर के बाद टू आ जाएगा, यानी डच लोग आए थे, वो आए थे 1552 में, 1552 में डचों का आगमन हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज, यानी जो है ब्रिटिशर्स, जो कि ब्रिटिश लोग आए थे, वो लोग आए थे, तो उनका हो गया 4213, ये हो गया थ्री में। फ्रांस वाले हैं, फ्रांस वालों की अगर बात की जाए तो वो आए थे 1664 में उनका आगमन हुआ था भारत में। तो इस तरीके से है, पहले नंबर पर पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज और चौथे नंबर पर फ्रांस, 4213, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? वेयर डिड फ्रेंच सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? सूरत, कोचीन, पुलिकट और कासिम बाजार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो है कारखाना सूरत में स्थापित किया था, ठीक है। वर्ष 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? इन दी बैटल ऑफ पलासी इन 1757 AD, हु डिफीटेड दी ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव स्ट्रेंथेन द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को 1757 की पलासी की लड़ाई में, 1757 की पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वो अंग्रेजों ने वो लड़ाई लड़ी थी और उसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की थी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वर्ष 1760 ईस्वी में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को हराकर उनकी शक्ति को भारत में प्रायः समाप्त कर दिया? विच वार इन 1760
डिड द ब्रिटिश डिफीट द फ्रेंच आर्मी एंड फाइनली इलिमिनेट देयर पावर इन इंडिया? बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, अर्काट का युद्ध, बैटल ऑफ अर्काट, वांडीवस का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवस और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वांडीवस। वांडीवस का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में, और उसमें क्या हुआ, फ्रांस की हार हुई जिससे उनकी शक्तियाँ जो है भारत में प्रायः समाप्त हो गई। उसके बाद है, बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी? हु रिकॉग्नाइज्ड द मेथड ऑफ डबल रूल इन बंगाल? तो ऑप्शन है, पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर से संधि 1757 ईस्वी ने, बक्सर के युद्ध के पश्चात मीर जाफर से संधि 1764 ईस्वी ने, निजामी दौला के साथ की गई संधि 1765 ईस्वी ने, और शाह आलम टू द्वारा की गई संधि 1765 ईस्वी ने। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गलत टाइप हो गया है, अब क्या कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम टू द्वारा की गई संधि 1765 ईस्वी ने बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को मान्यता दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके साथ वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया? विद हुम इन द ईयर 1793 लॉर्ड कार्नवालिस मेड ए परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? जमींदारों के साथ, विद लैंडलॉर्ड्स, कृषकों के साथ, विद द फार्मर्स, भारतीय प्रतिनिधियों के साथ, विद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड उपयुक्त सभी के साथ संयुक्त रूप से, ज्वाइंटली विद ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जमींदारों के साथ, यानी ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ में मिलकर, लैंडलॉर्ड्स के साथ में मिलकर उन्होंने क्या किया 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? व्हाट वेयर द मेन थिंग्स टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम बंगाल बाय द ब्रिटिश? नील सोरा, रेशमी सूती वस्त्र तथा नील, रेशमी सूती वस्त्र तथा सोरा, नील तथा चीनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेशमी सूती वस्त्र तथा सोरा, जो कि ये प्रमुख रूप से अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी। बंगाल में हुगली प्रथम ब्रिटिश कारखाने लगाने की स्वीकृति किसने दी? हु सेक्शन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन बंगाल? ऑप्शन से शाह सुजा, मुर्शीद अली खान, सुजाउद्दीन अलीवर्दी खान। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा शाह सुजा, ऑप्शन ए। शाह सुजा ने जो है बंगाल में हुगली प्रथम ब्रिटिश कारखाने लगाने की स्वीकृति दी थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द असिस्टेंट ट्रीटी? अवध का नवाब, नवाब ऑफ अवध, हैदराबाद का निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा, किंग ऑफ ट्रावनकोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम था जो था, उसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, वो पहला भारतीय शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद। हु द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द असिस्टेंट ट्रीटी? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? व्हाट वॉज द रिलेशन विद रणजीत सिंह? सुकरचकिया, संघवालिया, हलुवालिया और रामगढ़िया। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी सुकरचकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? अमृतसर, कपूरथला, लाहौर और पटियाला। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव प्रथम ने और बाजीराव द्वितीय ने। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाजीराव द्वितीय ने, ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने जो है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध? सुजाउद्दौला, सादत खान बुरहान उल मुल्क, सफदरगंज, शेर शाह। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी सादत खान बुरहान उल मुल्क, यही जो थे वो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज डन बाई द एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो मराठा वार? बेसिन की संधि, बेसिन ट्रीटी, देवगांव की संधि, देवगांव ट्रीटी, वारगांव की सिटी, वारगांव ट्रीटी,
सालबाई की संधि, सालबाई ट्रीटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देवगांव की संधि। इसके द्वारा ही, देवगांव की संधि के द्वारा द्वितीय अंगला मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले थे। इन द मेडिवल पीरियड द फर्स्ट वाज टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद इंडिया, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे मध्यकाल में मेडिवल टाइम में भारत के साथ सर्वप्रथम संबंध स्थापित करने वाले थे। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे और हैदर अली व मराठे। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्मी के बीच में जो है कर्नाटक का जो वार हुआ था वो हुआ था। ठीक है, अगला है, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई? विच वार वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रेटनेस्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? पलासी, बक्सर, वांडीवास, अर्काट। राइट आंसर ऑप्शन बी, बक्सर। बक्सर के वार से जो है इंडिया में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता जो है स्थापित हो गई। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? वेयर डिड द ब्रिटिश अप्लाई द रियोट वॉल सेटलमेंट? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड थॉमस मुनरो ने, मार्टिन बर्ड ने, कार्नवालिस ने और लॉर्ड डलहौजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड बाई थॉमस मुनरो। ओके, तो ये थे लास्ट क्वेश्चन हमारे, जो कि आज के लिए था, आज के पार्ट सिक्स में, और कल पार्ट सेवन होगा इसके लिए। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो @abhishek.singh798 और टेलीग्राम पर @studywithabhishek या फिर t.me और उसके बाद studywithabhishek@studywithabhi। और हाँ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके भी कर सकते हो। बाकी वीडियो, अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।